फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग रेडी हो गए, आज जाना है प्रीति के स्कूल में। आज मीटिंग है तो वहीं पे जाना है, और अगर मैंने कपड़ा धो के रखा है तभी सुखा दूंगी। तो रेडी हो गए हैं, और ये मेरा कपड़ा टाइट होता था, देखिए ढीला हो गया है। एक हफ्ता का योगा में कपड़ा ढीला हो गया है ना प्रीति। हाँ। मम्मी पतला हो गई। इतना सुंदर पत्ता है, देखिए हमारे घर के बाहर में ही है ये तुलसी का पौधा। क्या खा रही हो बेटी? कितना सारा फूल गिर रहे हैं। ये रसमलाई पीटी के पापा, ये पीटी जूस पी रही है, और ये रसमलाई खाएंगे हम लोग। और समोसा भी आ गया, इधर समोसा खाली कर तो वही तो फ्रेंड्स मीटिंग से आने के बाद यहाँ पे पीटी पापा लेके आए, बोले कि चलो बहुत दिन हो गया चाय पीते हैं। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी समोसा रसमलाई और चाय मिल रहा था, तो चाय वाय पिया हम लोग, और ये हम लोग इन्जॉय किए। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत दिन के बाद इस तरह से बाहर निकले थे। तो चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। आज ये भाईदो का बर्थडे है, तो बर्थडे में आए हैं भाईदो। हैप्पी बर्थडे। মই পাহৰি যাওঁ বাহিৰত तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, देखिए सुबह के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर बारिश हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत भयंकर गर्मी था, लेकिन अभी बारिश की वजह से बहुत रिलैक्स है। अभी बारिश शुरू हो गया है तो अच्छा लग रहा था, तो वही दिखा रही थी मैं आप सबको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी देखिए टाइम पूरा 6 बज रहा है, सुबह का 6, और बाहर उजाला हो गया और बारिश हो रहा है। तो यहाँ पे कपड़ा उपड़ा है, रात को उठा कर रखे थे, अभी सुखाएंगे, सुखाने हैं। और ये शिवा पढ़ाई कर रहा है, और मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, सब साफ सफाई हो गया है, और मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी योगा क्लास, और आज संडे है तो 6 बजे से शुरू होगा, वरना 5:30 से शुरू होता है। और यहाँ पे आज योगा क्लास में करेंगे हम लोग पार्टी। तो मैं क्या बनाई हूँ देखिए, ये दिख रहा है, और ये बनाई हूँ मैं मैंगो लस्सी। तो आज योगा क्लास में सबको मैंगो लस्सी की मैं पार्टी देने वाली हूँ। तो 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आएंगे घर। और यहाँ पर प्रीति और उसके पापा सो रहे हैं, दिखा दिए प्रीति का उड़ा उड़ा खोल के सो रही है, नंगा पंगा होके। और हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, देखिए तो चलिए चलूँगी योगा क्लास, और ब्लॉग में बने रहिए आप सब। तो योगा क्लास से आने के बाद पूजा पाठ भी हो गया है, देखिए तो पूजा हो गया, उसके बाद यहाँ पे पूरी सब्जी नाश्ते में खा रहे थे। उसके बाद ये मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और ये इसको हम लोग यहाँ पे कोचू लोती बोलते हैं, मतलब वो जो अरबी का जो डंडी होता है ना, उस टाइप का होता है, पानी में मिलता है यहाँ पर, तो ये वही है। और इसमें थोड़ा नींबू वम्बू डालना पड़ता है, वरना खुजली होता है गले में, गले को पकड़ता है थोड़ा सा। तो वही मैं बनाऊंगी इसे, इसका रेसा होता है ना उसको निकालना पड़ता है, तो वही इसको निकाल देंगे, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बहुत दिन के बाद पीठ के पापा लेके आए थे, बाज़ार में मिला तो लेके आए थे, तो वही मैं सोचा कि आज बनाते हैं। तो उधर अंडा कड़ी भी बनाऊँगी, और ये कोचोलोती भी बनाऊँगी। तो ये देखिए, इसे पहले उबाल लेंगे, उबालने के लिए मैं बैठा दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसे उबाल लूँगी। और तब तक मैं इस तरफ अंडा करी भी बना लेती हूँ, जब तक वो उबलेगा तब तक ये अंडा और आलू है, आलू भी मैंने बॉईल कर लिया है, तो थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के मैंने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है, और फ्राई हो गया है, देखिए अच्छी तरह से ब्राउन ब्राउन कलर हो गया है। तो इसे मैं निकाल लूँगी,
और निकाल के। तो उसी तेल में मैं डाल दूंगी जीरा। जीरा तड़क जाए उसके बाद डालेंगे तेज पत्ता, उसके बाद डालूंगी मैं प्याज। और प्याज को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये है लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें मैंने अदरक नहीं डाला है क्योंकि जो मैंने वो कच्चू लोती मैंने बोला है, मतलब जो सूरन टाइप का जो होता है उसमें अदरक नहीं डाला जाता है, तो इसलिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च ही पीसा। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले जो कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारा हरी मिर्च पीसा है। और यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, और इसके साथ में डाल दूँगी नमक। और नमक डालने के बाद इसे भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। मसाला जब तक अच्छी तरह से नहीं भूजेगा तब तक कोई सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनता है, तो वरना कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए ढक ढक के मैं इसे भून रही हूँ, और ये भून रहा है अच्छी तरह से। उसके बाद इधर अभी मैं डाल दूँगी पानी, और खिड़की से कितना उजाला आता है, पूरा रिफ्लेक्स मारता है उधर से उजाला कैमरे में मोबाइल में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद इधर मैं जो ये उबल गया है डंडी कचू लोती, तो कच्चू बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं हम लोग का गांव में तो नहीं मिलता है ये, हम इधर में ज़्यादा मिलता है, मैं इधर ही खाने के लिए सीखी हूँ ये सब सब्ज़ी आसाम में, तो वही तो अच्छा लगता है। तो ये उबल गया था तो इसका पानी फेंक देंगे। उसके बाद मैं कढ़ाई बिठा दी, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दूँगी, और प्याज डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से मैं प्याज को भून लूँगी। उसके बाद उस तरफ अंडा का जो रसा था वो उबल गया था, अच्छी तरह से डाल दिया अंडा और आलू। और यहाँ पर देखिए प्याज भुन गया तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डाल दिया, इसमें मैंने छोटा सा एक टमाटर भी पीस दिया है, और ये बेसिक मसाले जीरा धनिया और हल्दी पाउडर। और इसमें टमाटर डाला मैंने क्योंकि इसमें खट्टा डालना ज़रूरी है वरना गले में लगेगा। मैं बाद में थोड़ा सा नींबू भी डाल देती हूँ, इस तरह की सब्ज़ी से मुझे बहुत डर लगता है गला में खुजली होता है। तो उसके बाद देखिए ये अंडा आलू की कढ़ी बन गया है, और इसमें धनिया पत्ता डाल दिया मैंने, और इधर इसमें मैं डाल दूँगी नमक। और नमक डालने के बाद एक दो मिनट इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, थोड़ा सा ही मसाला है तुरंत ही भून जाता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे ये सब्ज़ी, और डालने के बाद ये देखिए ये थोड़ा गल जाता है अच्छी तरह से, एकदम चटनी की तरह लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भूनूँगी मैं मसाले के साथ, दो तीन मिनट ढक ढक के अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था खाने में, चटनी की तरह बहुत मतलब चटकार टाइप का हुआ था। और यहाँ पे डाल देंगे नींबू, गैस को मैंने बंद कर दिया, अब डाल देंगे नींबू। नींबू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं, मिला के और इसे निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया है, बन गया है, अभी आए नहीं है बच्चे, पीटी पापा लेके आते ही होंगे, तब तक मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। हम लोग यहीं पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो सब्जी वब्जी मैं यहीं पे बैठ के काट लेती हूँ, सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए मैं क्लीनिंग कर लूँ, और मैं ब्लॉग बस यहीं तक रखूँगी, और आप सबको कैसा लगा बताइएगा। मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।